सर्दियों में आपकी भी स्किन और बाल हो जाते हैं रूखे सूखे और बेजान, और आपकी जेब पर पड़ती है खर्चे की मार, खरीद कर लाते हो मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन और कंडीशनर हजार, तो आज के वीडियो को फॉलो करने को हो जाओ तैयार, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं कुछ ऐसे विंटर स्पेशल हैक्स जो कि आपकी स्किन को, आपके बालों को मक्खन मलाई की तरह से सॉफ्ट बनाएंगे। सर्दियों में भी बाल नहीं गिरेंगे बल्कि हेयर ग्रोथ होगी और स्किन की ग्लो, स्किन की चमक देखकर आप खुद हैरान रहने वाले हो। स्किन बिल्कुल काली नहीं पड़ेगी, बेजान नहीं होगी बल्कि और ज्यादा रेडिएंट हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा इन विंटर हैक्स को, आई एम श्योर आपको इनकी जरूरत जरूर पड़ने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेकिन सबसे पहले आपका धन्यवाद, शुक्रिया और शुक्राना मेरे वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, थैंक यू सो सो मच, एंड बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। और हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यही बनता है मोटिवेशन आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाने का। बात करते हैं कोल्ड क्रीम की। कितने पैसे खर्च करते हो कोल्ड क्रीम में सर्दियों में? आई एम श्योर 3-4 डिब्बी तो खरीद के लाते ही होगी, लेकिन मैं कहूँ कि कोल्ड क्रीम अब खरीदनी नहीं पड़ेगी, बल्कि कोल्ड क्रीम से भी अच्छा ग्लो आपके फेस पर आएगा, आपकी पूरी बॉडी पर आएगा। घर पर कोल्ड क्रीम बनाएंगे, चलिए बनाना सिखाती हूँ। वेल, इस विंटर स्पेशल कोल्ड क्रीम को बनाने के लिए आपको चाहिए बीटरूट। जी हाँ, आधा बीटरूट यानी चुकंदर ले रही हूँ, जूस एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इसका कद्दूकस करके और निचोड़ करके। इसमें ऐड कीजिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 2 ही चम्मच वर्जिन ऑलिव ऑयल, एंड अच्छे से मिक्स कर लीजिए इन सभी चीज़ों को, और ये आपकी बेहतरीन कोल्ड क्रीम बनकर के तैयार है, जो कि सर्दियों में आपकी फेशियल स्किन को और बॉडी स्किन को एकदम पिंक रखेगी, ब्यूटीफुल रखेगी, हाइड्रेटेड रखेगी और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी आपकी स्किन सर्दियों में भी। तो जरूर यूज करना है, आज ही बना लेना है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है ये कोल्ड क्रीम। क्या बाल गिर रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल बहुत ड्राई फ्रिजी है? तो सिंपल सी ट्रिक आएगी आपके काम। आपको लेना है अनियन जूस, 2 चम्मच अनियन जूस लीजिए, उसमें मिलाइए 2 चम्मच वर्जिन ऑलिव ऑयल और साथ ही मिला लीजिए थोड़ा सा शहद। तीनों चीजों को मिक्स कीजिए और इससे अपने स्कैल्प में चंपी कीजिए। 2 घंटे के बाद बालों को शैम्पू कर लीजिए। हर बार बाल धोने से पहले ऐसे ही इस रेमेडी को लगाएंगे तो आपके बाल नहीं गिरेंगे, हेयर ग्रोथ होगी, बाल घने होंगे और बालों की चमक भी बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं विंटर हैक नंबर 3 की तरफ। अगर लिप्स बहुत ड्राई हो गए हैं, बहुत ज्यादा चैप्ड हो गए हैं या फिर काले पड़ गए हैं, तो एक सिंपल सी टिप है और वो है थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लें, उसमें मिलाएं थोड़ा सा हनी और ये पेस्ट बना लें और इसे अपने लिप्स पर रात को सोने से पहले लगाएं। सुबह उठेंगे तो आपके लिप्स की सारी ड्राइनेस दूर हो चुकी होगी, लिप्स बहुत ही पिंक और सॉफ्ट हो जाएंगे। पैरों की एड़ियां फट गई हैं या फिर हाथ पैर बहुत ही ज्यादा रूखे सूखे बेजान हो गए हैं, तो एक सिंपल सी ट्रिक बता रही, आप लें थोड़ा सा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उसमें मिलाएं थोड़ा सा लेमन जूस और तकरीबन 1 चम्मच ग्लिसरीन, एंड इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना करके एक बॉटल में भर करके रख लें। रात को सोने से पहले अपने हाथों पर, पैरों पर ये मिक्सचर अगर आप अप्लाई करेंगे तो सुबह तक आपके पैरों की एड़ियां एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी, हाथ ऐसे मक्खन की तरह से, मलाई की तरह से सॉफ्ट होने वाले हैं। भाई फेशियल ऑयल पर कितने पैसे खर्च करते हो आप? आई एम श्योर कोई भी फेशियल ऑयल 500 से 700 रुपए से कम का नहीं है, और अगर मैं कहूं कि फेशियल ऑयल आप घर पर बना सकते हो तो कैसा रहेगा? आई एम श्योर आपको बड़ा मजा आएगा और पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए आज बना लेते हैं फेशियल ऑयल सर्दियों के लिए, जो कि आपके फेशियल स्किन को गुलाब की तरह से सॉफ्ट और पिंकी बनाएगा। करना क्या है, 2 गुलाब लेनी है, उनकी पेटल्स को तोड़ लेना है, धो लेना है, सुखा लेना है। आपको लेनी है 1 बॉटल, उसमें भरना है 50 ml वर्जिन ऑलिव ऑयल और उसमें आप ये पेटल्स डाल दीजिए। ये बॉटल आप 10 से 15 दिन के लिए धूप में रखें और आपका फेशियल ऑयल तैयार है, रोज फेशियल ऑयल तैयार है, जो कि आपकी स्किन को गुलाबी बना देगा, गुलाब की तरह से सॉफ्ट बना देगा। अब आप कहोगे कि पूजा, व्हाई वर्जिन ऑलिव ऑयल, व्हाई नॉट सम अदर ऑयल? द
तो चलिए पहले देती हूँ आपके क्वेश्चन का जवाब और उसके बाद कुछ और हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वेल, जब बात होती है स्किन केयर की, बात होती है हेयर केयर की, तो हम ज्यादा महत्व किसको देते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई को। हम कहते हैं कि जिस चीज में या जिस क्रीम में या जिस ऑयल में ये सब चीजें हैं, हम उन्हें अपनी स्किन पर अप्लाई कर लें। लेकिन बहुत सारे दूसरे विटामिंस भी होते हैं जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इनसे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ही एक विटामिन है, विटामिन के, जो कि बहुत सारी क्रीम्स में पाया जाता है, बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स में पाया जाता है। और ये विटामिन के हमारी स्किन को सपल बनाता है, न्यूट्रिशन से भरता है हमारी स्किन को और हमारी स्किन को ग्लो भी प्रदान करता है। हमारी स्किन पर फ्री रेडिकल्स के द्वारा होने वाले डैमेज को भी रिड्यूस करता है, एजिंग साइंस को डिले करता है और यही विटामिन के हमारे बालों को भी न्यू लाइफ देता है। कैरेटीन के निर्माण में सहायक होता है विटामिन के और यही विटामिन के मोस्ट नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है ऑलिव ऑयल में। ऑलिव ऑयल में विटामिन के भर भर के होता है, जो कि आपकी स्किन आपके बालों के लिए एक वरदान के समान है। इसलिए इसका उपयोग अपने स्किन केयर हेयर केयर में जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आपकी स्किन अनइवन है या स्किन पर इन्फ्लेमेशन है या स्किन पर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, तो ऑलिव ऑयल आपके लिए बेस्ट है। एंड इट सूट्स ऑल स्किन टाइप्स एंड डज नॉट हैव एनी रिएक्शन। स्पेशली ऑलिव ऑयल को जब आप हल्की वेट स्किन पर अप्लाई करते हैं तो ये आपकी स्किन के लिए एज अ सेकेंड स्किन बैरियर एक्ट करता है और आपकी ड्राई क्रैक्ड स्किन को बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेशन से भर देता है। अब आप पूछोगे कि पूजा कौन सा ऑलिव ऑयल यूज करें, तो मैं यूज करती हूँ प्योर न्यूट्रिशन का वर्जिन ऑलिव ऑयल। वाई प्योर न्यूट्रिशन? बिकॉज प्योर न्यूट्रिशन ऑलिव ऑयल इज कोल्ड प्रेस्ड ऑलिव ऑयल। जब हम मशीनों से या हॉट प्रेस्ड मेथड से किसी भी नट से या फ्रूट से ऑयल को निकालते हैं ना, उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो इस प्रोसेस में काफी हद तक कम हो जाती है। जबकि जब ऑयल कोल्ड प्रेस्ड मेथड से निकाला जाता है तो उसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहते हैं, इसीलिए प्योर न्यूट्रिशन। रीजन नंबर टू, प्योर न्यूट्रिशन वर्जिन ऑलिव ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्योर ऑलिव्स, जो कि ऑर्गेनिकली ग्रो किए गए हैं विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स एंड सिंथेटिक केमिकल्स। एंड रीजन नंबर थ्री, डर्मेटोलॉजिस्ट आल्सो रिकमेंड दैट व्हेन यू यूज वर्जिन ऑलिव ऑयल इन योर स्किन केयर, इट प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन इन योर स्किन। एंड जब आपकी स्किन में कोलेजन भर भर के प्रोड्यूस होता है तो स्किन लंबे समय तक टाइट रहती है, इट डिलेज एजिंग, रिंकल्स फाइन लाइंस डिले होती हैं और आपकी स्किन का ग्लो भी बढ़ता है। एंड आप जब इसे फर्स्ट टाइम यूज करोगे ना, आपको सच में यूज करके ही पता चल जाएगा कि ये कितना प्योर है। तो जरूर यूज करें प्योर न्यूट्रिशन ऑलिव ऑयल, आपकी स्किन आपके बालों की हेल्थ को ये संवारेगा और निखारेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अभी कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं इस पर, तो कुछ फायदा उठा सकते हैं। लिंक जरूर चेकआउट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बताती हूँ और बहुत सारे विंटर हैक्स। वेल, ऐसा होता है ना, गर्म पानी से हम नहाते हैं, स्किन बहुत खिंची खिंची और ड्राई हो जाती है नहाने के बाद। हाथों और पैरों पर तो हम कोई क्रीम लगा लेते हैं, मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं या होममेड क्रीम भी लगा लेते हैं, लेकिन पूरी बॉडी का क्या करें? उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैक है, जब भी आप नहाने जाएं बाथरूम में थोड़ा सा वर्जिन ऑलिव ऑयल रखें और एक चम्मच ऑलिव ऑयल अपने नहाने के पानी में डाल लें। आपकी स्किन गर्म से गर्म पानी से नहाने के बावजूद भी ड्राई नहीं होगी, फ्लेकी नहीं होगी, बल्कि हाईली हाईली मॉइस्चराइज्ड रहेगी। अगर बालों को धोने के बाद बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, फ्रिजी हो जाते हैं, ऐसे छत्ता सा बन जाता है बालों का, या फिर आपको स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, तो आप अपने शैम्पू में, जी हाँ शैम्पू में, आधा चम्मच वर्जिन ऑलिव ऑयल मिलाएं इस तरह से और अपने बालों में शैम्पू करें। आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, फ्रिजी नहीं होंगे, बाल कम टूटेंगे, आपके बालों की चमक बढ़ जाएगी। वेल, अगर आप नहाने के पानी में ऑलिव ऑयल ना मिलाना चाहो तो आप जस्ट नहाने के बाद, जब आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी वेट हो, सेमी वेट हो, तो आप ऑलिव ऑयल इस तरह से मॉइस्चराइजर की तरह लगा लें। आपको डिब्बियों की डिब्बियां मॉइस्चराइजर नहीं लेना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। आपकी स्किन इतनी हाइड्रेटेड, इतनी मॉइस्चराइज्ड रहेगी सर्दियों में भी। तो छोटे छोटे हैक्स हैं लेकिन बहुत बहुत काम के हैं। और इस ऑलिव ऑयल से तो अपने बच्चों की बॉडी पर भी मसाज कर सकते हो, बिकॉज उनको पूरे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलेंगे और साथ ही साथ उनकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और
बहुत सारे विटामिन्स भी मिलेंगे। तो ये इतना सेफ है कि बच्चे भी इसे यूज कर सकते हैं। तो इन विंटर्स में अपनी स्किन का, अपने बालों का ध्यान आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सारे हैक्स मैंने आपको बता दिए हैं। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और शेयर भी जरूर किया कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और मैं आपसे मिलूंगी एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।